हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि होने वाला है प्रिपरेशन फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो जब भी आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब भी आप पीआई के लिए जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो क्या क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, किस तरह की प्रिपरेशन आपको करने की आवश्यकता पड़ती है, यह हमारा टॉपिक होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आइए। प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, हमारे चैनल पे आने के बाद नीचे की तरफ आपको आना है, इग्नू एमकॉम, इग्नू बीकॉम न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी जो है यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाएगी, जहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सारे सारे कोर्सेज जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं उन सारे कोर्सेज के ऊपर। और यहाँ पे ढेर सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, इग्नू बीकॉम न्यू में जाना है और यहाँ पे फिर से आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसके फायदे आपको मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ज्वाइन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। फायदों में आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ ही साथ आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे, अगर आप हमसे खरीदते हैं तो, ठीक है। चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ हमारा, जो कि है प्रिपरेशन फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। चलिए फिर, सो फेसिंग योर पर्सनल इंटरव्यू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब, एज इट विल बी द फर्स्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द एम्प्लॉयर, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक एडवांस प्रिपरेशन फॉर इट, है ना। यहाँ पर जो बात बोली गई वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि पर्सनल इंटरव्यू में आप पहली बार जो है फेस टू फेस अपने इंटरेक्शन करते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो बहुत जरूरी होता है कि इसके लिए आप जो है अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करके रखें, और बगैर पर्सनल इंटरव्यू के आप जॉब को पा भी नहीं सकते। तो पहले लाइन में तो यही लिखा गया है, द फेसिंग अ पर्सनल इंटरव्यू इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द गेटिंग अ जॉब। अगर आपको जॉब चाहिए तो उसमें पर्सनल इंटरव्यू में हिस्सा लेना और उसमें पास करना लाइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिसके बगैर आपको जॉब नहीं मिल सकती। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको इस सिचुएशन से गुजरना होगा, और चूंकि ये एम्प्लॉयर के साथ फर्स्ट टाइम फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो उसके लिए आपको एडवांस में प्रिपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। फॉलोइंग पॉइंट्स आर हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा जो कि बहुत हेल्पफुल हैं अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। सबसे पहला है सेलेक्ट अ प्रॉपर आउटफिट, मतलब एक अच्छा सा ड्रेस कोड, एक अच्छा सा ड्रेस पहन करके आपको जाना है। दूसरा है ग्रीटिंग योर इंटरव्यूअर, जैसे ही आप रूम में जाएं अपने इंटरव्यूअर को ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका टाइमिंग है। रेडी रीड योर सीवी, अपना सीवी को वहां पढ़ना है। प्रिपेयर फॉर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यू, आपको जो है सबसे ज्यादा कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उसकी तैयारी आपको करके जानी है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी जानकारी आपके पास कंप्लीटली होनी चाहिए। प्रिपेयर फॉर सैलरी एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन एंड नेगोशिएशन, कितना आपको सैलरी मिलना चाहिए या मिल सकता है इसके बारे में आपको बात करनी है ना, आपको एक्सपेक्टेशन क्या है और कि आप कितना तक नेगोशिएशन करना चाहोगे, इसकी तैयारी आपको कर लेनी है। प्रिपेयर योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स, आप जब जाओगे तो किस तरीके से जाओगे, कैसे आओगे, जो ट्रैवलिंग का जो अरेंजमेंट होगा वो आपको करके रखना है। बी अवेयर ऑफ द डेज मेन न्यूज, है ना, उस दिन का जो मेन न्यूज होगा जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उस दिन आपको जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आप उनके जवाब दे सकें। अगला है थैंकिंग बिफोर लीविंग, तो वहां से जब आप निकलने लगो इंटरव्यू के बाद तो सबको थैंक यू आपको बोलना है। तो ये 9 पॉइंट्स है, अब इन 9 पॉइंट्स को हम डिटेल में थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला है अ प्रॉपरली ड्रेस्ड कैंडिडेट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द सिलेक्शन कमिटी आफ्टर सेलेक्टिंग योर आउटफिट। आफ्टर सेलेक्टिंग योर आउटफिट मेक श्योर दैट इट इज क्लीन एंड प्रेस्ड एंड यू हैव टू अप्रोप्रिएट एक्सेसरीज एंड शूज टू गो विद इट, है ना। तो एक प्रॉपरली जो ड्रेस्ड कैंडिडेट होता है उसका इंप्रेशन जो है एम्प्लॉयर के सामने बहुत ही अच्छा पड़ता है, सिलेक्शन कमेटी के सामने बहुत अच्छा पड़ता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप एक अच्छा सा ड्रेस पहने, जिसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो है लोगों के ऊपर पड़े, कमेटी के ऊपर पड़े। तो जब सबसे पहले जब आप अपना आउटफिट डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये पहन के जाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप करें कि आपका जो कपड़ा है जो आप डिसाइड कर रहे हो वो साफ सुथरा हो, और साथ ही साथ उसमें इस्त्री किया हुआ है ना, प्रेस्ड किया हुआ हो, ताकि और जो भी एक्सेसरी साथ में होनी चाहिए, जैसे कि शूज, अब कपड़े पहनने से नहीं होंगे, शूज भी आपको लेने पड़ेंगे, अच्छा सॉक्स लेना पड़ेगा, घड़ी लेनी पड़ेगी, जो भी एक्सेसरीज होती हैं वो सारी चीजें आपको ले लेनी है ताकि आप अच्छे लगो। ब्लैक शूज आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर द इंटरव्यू, और काले रंग के जो जूते होते हैं उसको इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, राइट। तो सेलेक्ट अ प्रॉपर आउटफिट हो गया। अगला है ग्रीटिंग योर इंटरव्यू,
तो जैसे ही आप अपने रूम में घुसते हैं, सबसे पहले आपका काम होता है कि आप अपने जो इंटरव्यूअर है उसको आप ग्रीट करें। सो एज यू एंटर द रूम, ग्रीट योर इंटरव्यूअर विद अ स्वीट स्माइल। जब भी आप एंटर करें अपने ऑफिस में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्माइल करें लोगों के सामने, ठीक है ना। डूइंग दिस विद प्रॉपर एटिक्वेट एंड वार्म्थ विल सेट द थिंग्स गोइंग द राइट मैनर। अगर आप ये चीजें अच्छी तरीके से करेंगे तो इंटरव्यूअर को भी काफी अच्छा लगेगा, आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा कि आप बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति हैं, और जो इंटरव्यू होगी वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी अगर आप ये चीज को करते हैं तो। सो ग्रीटिंग योर इंटरव्यूअर। नेक्स्ट पॉइंट इज रीड योर सीवी। सो कीपिंग अ फ्यू प्रिंटेड कॉपीज ऑफ योर सीवी हैंडी इन केस ऑफ अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी वांट्स इट, है ना। अगर कोई सिलेक्शन कमिटी का मेंबर चाहता है कि आप अपने पास यू नो कॉपी रखो और आप उसको रीड करो, है ना। ऐसा जनरली होता नहीं है कि रीड करने के लिए बोला जाए, क्योंकि आप अपने सीवी को पहले ही दे देते हो, बट अगर रीड करने के लिए बोला जाए तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप उसको रीड कर पाओ, राइट। रीड इट केयरफुली सो दैट यू कैन टॉक अबाउट द स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस लिस्टेड इन इट। आप उसको बहुत उसको ध्यान से पढ़ना है, ताकि जब आप रीड कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी एसोसिएटेड आपकी वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपका स्किल्स है, वो भी आप उसको एट द सेम टाइम आपको बताते हुए जाना है, राइट। बिकॉज द ग्रेटर चांसेस आर दैट इंटरव्यूअर विल पिक अप एन आइटम फ्रॉम इट एंड स्टार्ट द डायलॉग। ऐसा होता है कि आप जो बातें बोल रहे हो उसी में से किसी एक लाइन को पिकअप कर लिया इंटरव्यूअर ने, और उसी के ऊपर जो है डायलॉग जो है बातचीत जो है वो स्टार्ट हो गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप रीड करें तो अपने स्किल्स को वहां पे इंक्लूड करते हुए चलें, अपने वर्क एक्सपीरियंस को वहां पे बताते हुए चलें, ताकि एक तरीके से इंटरव्यूअर जो है वो आपसे इंप्रेस हो सके, ठीक है। प्रिपेयर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर टू आंसर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू थिंक यू वुड बी ग्रेट फॉर दिस जॉब, वाई डू यू थिंक, सॉरी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं हर एक इंटरव्यू में। ये पूछा जाता है कि अपने बारे में आप बताइए, आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपकी ये जॉब आपके लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसकी तैयारी आपको घर से करके जानी होती है। सो ट्राई टू बी ग्रेट सेल्समैन एंड आंसर इन अ नॉर्मल वॉइस विदाउट एनी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, ठीक है। तो आपको जो है एक अच्छे सेल्समैन की तरह वहां पे बात करनी है, ना ही आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए, ना ही आपको नर्वस फील करना है। नॉर्मल वॉइस में जैसे बात की जाती है वैसे करके जो है आपको वहां पे बात करने की आवश्यकता होती है। सो प्रिपेयर फॉर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू हो गया। अगला है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस कंपनी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेकर के जाएं, ताकि आपसे ज्यादा पूछा जाए कंपनी के बारे में कि आपका क्या ख्याल है, कंपनी कहाँ पे बेहतर कर रही है, कहाँ पे और बेहतर कर सकती हो, तो आप इन सारे सवालों के जवाब जो है आप ठीक तरीके से दे पाए। सो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द कंपनी ऑफ द कंपनी प्रोफाइल एंड नेचर ऑफ द जॉब यू हैव अप्लाइड फॉर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी जो है किस नेचर की है, उसकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, और आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या नेचर है, मतलब क्या काम आपको करना होगा, राइट, कैसे कैसे करना होगा, वगैरह वगैरह। सो इफ एन अपॉर्चुनिटी अराइजेज, अगर किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, मेक अ पॉजिटिव कमेंट अबाउट द कंपनी एंड रेज सम इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो इन दैट केस जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहां पे एक पॉजिटिव कमेंट कंपनी के बारे में आप बता सकते हैं लोगों को, ताकि उनको भी अच्छा लगे। साथ ही साथ आप कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी उनसे पूछ सकते हैं, ताकि आपका इंप्रेशन जो है वो इंटरव्यूअर के सामने अच्छा बने, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट है प्रिपेयर फॉर सैलरी एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन एंड नेगोशिएशन। तो आपको पहले से यहाँ यू नो तैयार करके जाना है कि भाई आप इतना सैलरी जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतनी सैलरी आपको मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी मतलब वैल्यू बोल दिया, कोई एक रियलिस्टिक वैल्यू, है ना। एट द सेम टाइम आपको रियलिस्टिक वैल्यू के ऊपर भी ध्यान देना है कि जो आप बात बोलो वो रियलिस्टिक लगे लोगों को सुन करके, कि नहीं भाई चलो ये जो सैलरी मांग रहा है ये इतना हो सकता है, राइट। सो इफ एक्चुअल सैलरी वॉज नॉट मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट में सैलरी मेंशन नहीं है, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर होगा, देयर विल बी अ क्वेश्चन, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन अबाउट द सैलरी, सैलरी के बारे में तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। ट्राई टू बी रियलिस्टिक व्हाइल रिप्लाइंग। तो आपको रियलिस्टिक रहने की कोशिश करनी है जब भी आप उस चीज का रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रिपेयर योर ट्रेवल अरेंजमेंट्स। ये तो लाइक फालतू सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मतलब टॉपिक है। आपको तैयार होकर के जाना है कि किस तरीके से आप ट्रैवलिंग करके आप जाओगे, क्योंकि देखो टाइम पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेट हो जाओगे तो एंशियस रहोगे, आप खुद को तैयार नहीं कर पाओगे, राइट। इट्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम से थोड़े पहले पहुंच जाओ। तो आपको अपना ट्रैवल अरेंजमेंट ठीक तरीके से करना होगा। सो देयर इज नॉर्मली एंग्जाइटी अबाउट द जॉब इंटरव्यू फॉर मेनी रीजंस, रीचिंग द इंटरव्यू वेन्यू वेल इन टाइम मे बी अनदर कॉज ऑफ वरी, particularly if it is an unfamiliar place or even in an entirely new city, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि जो normally जो anxiety होती है वो generally job के बारे में होती है कि interview में आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसे आप उन सारे situations को एक तरीके से handle करेंगे। But उसके अलावा एक और problem आपके दिमाग में चल रही होती है कि मैं interview venue पे कैसे पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा,
किस तरीके से मैं वहाँ जल्दी पहुंच सकूँ ताकि वहाँ पे मैं इंटरव्यू जो है हमारा जल्दी से अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सके। तो ये भी एक एंग्जाइटी जो है आपके मन में होती है, तो उसके लिए आपको खुद को जो है पहले से तैयार करके रखना होगा, है ना। और अगर आप किसी अनफेमिलियर प्लेस पे जा रहे हो या फिर आप किसी नई सिटी में जा रहे हो, किसी नए शहर में जाकर के आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद का जो तैयारी है वो ठीक तरीके से करके आप चले, राइट। टू अवॉइड बिकमिंग टू एंग्शियस, बहुत ज्यादा एंग्शियस ना हो करके प्रिपेयर योर ट्रैवल प्लान इन एडवांस, जो भी आपका ट्रैवल प्लान है आप उसको पहले से तैयार करके रख लें। इट इज वेरी हेल्पफुल इफ यू कैन विजिट द प्लेस ऑन द प्रीसीडिंग डे टू गेट फेमिलियर विद द रूट एंड ट्रैवल टाइम, है ना। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप सही जो आपका प्लेस है उसको आप पहले एक दिन पहले से विजिट कर लें, ताकि आप जाकर के सिचुएशन को देख लें, फेमिलियर हो जाए उस सिचुएशन के साथ, और जो आपका ट्रैवल टाइम है उसकी भी एक तरीके से आइडिया आपको हो जाती है अगर आप ये काम को करते हो तो, राइट। बी अवेयर ऑफ द डेज मेन न्यूज, तो जो भी दिन का मेन न्यूज होगा, हो सकता है कि जीके के तौर पे, जनरल इंटेलिजेंस के तौर पे आपसे वो सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको जो दिन का जो मेन मेन न्यूज होता है आपको उसकी भी तैयारी करके रखनी है, ताकि अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसके जवाब जो है दे पाए। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द डेज मेन न्यूज इन द लीडिंग न्यूज पेपर्स। फर्दर मोर चेक गूगल न्यूज फॉर द लेटेस्ट न्यूज from and about the organization, such as new product or services recently launched, a new plant opened and a new CEO hired वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी जो है होनी चाहिए। Google News पे अगर आप जाओगे तो latest information आपको निकल करके आ जाएगी। Google पे आप अगर उस company के बारे में search करोगे तो वो भी जानकारी आपको वहाँ पे निकल जाएगी, जैसे कि कोई नया plant launch हुआ, मतलब start हुआ है, खुला है, कोई नया product launch हुआ है, कोई नई service launch हुई है, किसी नए CEO को hire किया गया है, इस तरह से जो company से related जो news है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। अगला पॉइंट है थैंक यू बिफोर लीविंग। तो जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो सबसे पहले बहुत ही पोलाइटली सबको थैंक यू बोलना है, और फिर जो है वहां से निकलना है। तो वहां से निकलने के पहले आपको थैंक यू सबको बोलना है। सो से अ पोलाइट थैंक यू बिफोर लीविंग द प्लेस, है ना। वहां से निकलने के पहले आपको सबको थैंक यू बोलना है। इफ द इंटरव्यूअर ऑफर्स, शेक्स हैंड्स वार्मली। अगर इंटरव्यूअर ऑफर करता है आपसे हाथ मिलाने को लेकर के, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप यू नो इंटरव्यूअर से आप हाथ को मिलाएं, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन फॉर द पर्सन इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।